मंगल होंगे। और जैसा कि आपने पढ़ लिया है, आज गृह मंत्री जी से मुलाकात की गई है और भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के खिलाफ लिखित में शिकायत दी गई है। इसमें गृह मंत्री जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए एसआईटी का गठन कर दिया है, जो आईजी साहब के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और हमारे कुछ समाज सेवी संस्थाओं के, जैसे गीता का बाजी सुनीता राजपाल जी और अपने कमल जी, इन्होंने भी रिक्वेस्ट की है, जो आप लोगों ने साइन भेजे थे और इन्होंने लो एक बार ये बताएंगे क्या बात हुई है इनसे, जो बात हुई है। हाँ जी, और इन्होंने भी एक अपील की गई है गृह मंत्री से, जो आप लोगों ने जो साइन किए थे जो ड्यूटियों बारे, उन बारे भी इन्होंने गृह मंत्री जी से अपील की है। और गृह मंत्री जी ने पूछिए इन्हीं से, पूछिए क्या आश्वासन दिया है। नमस्कार पानीपत वासियों और हरियाणा वासियों, देशवासियों को हमारी और टीम की तरफ से नमस्कार। और हम आज आए थे आशीष कुमार सिंघम जी के साथ कि हम अपनी अपील लेके आए थे, जो आप लोगों ने ही साइन करके हमें दिए हैं कि इनकी ड्यूटी शहर में लगाई जाए। तो आज हम आए थे नीलबीज जी के पास जनता दरबार में और ये अपील लेके आए थे कि इनकी ड्यूटी शहर में लगाई जाए, जो इनके साथ आप जानते हैं कि किस तरीके से व्यवहार हो रहा है, तो उस व्यवहार को हम सही ग्रहण जाते हैं। हम चाहते हैं कि इनको और पावर देकर पानीपत में शहर में लाया जाए। वीडियो को शेयर करके और तक पहुंचाओ। एक बार बीच में फोन आ रहे हैं जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ रहा हो, और सभी दोस्तों से अनुरोध है सभी इस वीडियो को सभी शेयर करें, जो देखे वही शेयर कर दे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है सभी शेयर करते रहें। और चलो ये बात अधूरी रह गई थी, बताएंगी मैडम जी, ये बार बार जो बीच में डिस्टर्बेंस फोन की आ रही है। हेलो, तो हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये इसके आपके सबके माध्यम से ये सारे लोग वीडियो देखें और इनको न्याय के, जो हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। आप सब जानते हैं कि इनकी वीडियो जितने भी होती हैं वायरल होती हैं, और जिस तरीके से अभी हाल ही में इनके साथ जो त्यागी जी ने करा है, जो सेक्टर 13-17 के आईएस हैं, उन्होंने एएसआई हैं, उन्होंने जो किया उसके खिलाफ भी हम चाहते हैं कि अनिल बी साहब जी जो है कार्रवाई करें, कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हम अपील करके आए हैं इस चीज की। तो हमारे साथ और भी हैं जो समाज से भी हैं, जैसे कमल गंभीर जी हैं, सुनीता राजपाल जी हैं, तो मैं आपकी उनसे बात करवाना चाहती हूँ। करो ऊपर से मत दबाओ जी, नीचे से ही पकड़ो। बार बार फोन आने की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है साथियों, और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करें। और ये चलो बोलिए सर, मैडम ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे बोल दो, ऐसे फिर हो जाएगा। जय हिंद जय भारत, बटन दब जाएगा फिर दोबारा। जय हिंद जय भारत। आज हम आशीष सिंघम जो पानीपत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो थोड़ा उनसे कल उनसे लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो बात थोड़ी बढ़ गई थी। तो वैसे भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, लोगों को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ईमानदार लोगों की इस दुनिया में जरूरत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये दोबारा पानीपत में जाम मुक्त, नशा मुक्ति, गोसाखोरी की जो पहले वो कर रहे थे काम, वो अच्छे तरीके से और करें। इसलिए हम अनिल विज के पास ये अपील लेके आए थे। मेरे को लगता है ये गृह मंत्री
हमारी बहुत अच्छा तरीके से इस समस्या को हल करेंगे, तो इसलिए हम उनसे यही दरखास्त की है। जय भारत जय। सर जय। दोस्तों सभी शेयर कर दो, जल्द ही दोबारा ड्यूटी भी मिलेगी। वो चोर सलाखों के पीछे भी जाएगा, वो चोर सलाखों के पीछे जाएगा। SIT का गठन कर दिया है। गृह मंत्री जी के नॉलेज में थी ये बातें, गृह मंत्री जी ने खुद देखी है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो इनकी काली करतूत है खुद देखी गृह मंत्री जी ने। सभी दोस्त शेयर अवश्य करें ताकि जल्दी से जल्दी एक्शन हो ऐसे भ्रष्टाचारियों पर, और इनका भ्रष्टाचार करने की हिम्मत टूट जाए ऐसे गंदे लोगों की। एक त्यागी नहीं, बहुत से त्यागी हैं हर जगह, इन पे सब पे नकेल कसू ऐसे ही। एक त्यागी नहीं, बहुत से त्यागी हैं, ऐसे ऐसे चोर बहुत बैठे हैं हर डिपार्टमेंट में। सभी वीडियो को शेयर करें। जय हिंद जय भारत। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप? भगवान की दया से आप कुशल मंगल होंगे। और जैसा कि आपने पढ़ लिया है, आज गृह मंत्री जी से मुलाकात की गई है और भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के खिलाफ लिखित में शिकायत दी गई है। इसमें गृह मंत्री जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए SIT का गठन कर दिया है, जो IG साहब के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और हमारे कुछ समाज सेवी संस्थाओं के, जैसे गीता गाबा जी, सुनीता राजपाल जी और अपने कमल जी, इन्होंने भी रिक्वेस्ट की है, जो आप लोगों ने साइन भेजे थे और इन्होंने लो एक बार ये बताएंगे क्या बात हुई है इनसे, जो बात हुई है। हाँ जी, और इन्होंने भी एक अपील की गई है गृह मंत्री से, जो आप लोगों ने जो साइन किए थे जो ड्यूटियों बारे, उन बारे भी इन्होंने गृह मंत्री जी से अपील की है। और गृह मंत्री जी ने पूछिए, इन्हीं से पूछिए क्या आश्वासन दिया है। नमस्कार पानीपत वासियों, और हरियाणा वासियों, देशवासियों को हमारी और टीम की तरफ से नमस्कार। और हम आज आए थे आशीष कुमार सिंघम जी के साथ, कि हम अपनी अपील लेके आए थे, जो आप लोगों ने ही साइन करके हमें दिए हैं, कि इनकी ड्यूटी शहर में लगाई जाए। तो आज हम आए थे नीलबीज जी के पास जनता दरबार में, और ये अपील लेके आए थे कि इनकी ड्यूटी शहर में लगाई जाए, जो इनके साथ आप जानते हैं कि किस तरीके से व्यवहार हो रहा है, तो उस व्यवहार को हम सही करार जाते हैं। हम चाहते हैं कि इनको और पावर देकर पानीपत में शहर में लाया जाए। वीडियो को शेयर करके और तक पहुंचाओ। एक बार बीच में फोन आ रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ रहा हो। और सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी इस वीडियो को सभी शेयर करें, जो देखे वही शेयर कर दे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी शेयर करते रहें। और चलो ये बात अधूरी रह गई थी, बताएंगी मैडम जी। ये बार बार जो बीच में डिस्टर्बेंस फोन की आ रही है। हेलो तो हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये इसके आपके सबके माध्यम से ये सारे लोग वीडियो देखें और इनको न्याय के, जो हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। आप सब जानते हैं कि इनकी वीडियो जितने भी होती हैं वायरल होती हैं, और जिस तरीके से अभी हाल ही में इनके साथ जो त्यागी जी ने करा है, जो सेक्टर 13-17 के IS हैं, उन्होंने ASI हैं, उन्होंने जो किया,
उसके खिलाफ भी हम चाहते हैं कि अनिल बिज साहब जी जो है कार्रवाई करेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई करें, हम अपील करके आए हैं इस चीज की। तो हमारे साथ और भी हैं जो समाज से भी हैं, जैसे कमल गंभीर जी हैं, सुनीता राजपाल जी हैं, तो मैं आपकी उनसे बात करवाना चाहती हूँ कि करो करो ऊपर से मत दबाओ जी 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 नीचे से बार बार फोन आने की वजह से डिस्टरबेंस हो रही है साथियों, और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करें। और ये चलो बोलिए सर मैडम, ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे बोल दो, ऐसे फिर हो जाएगा। जय हिंद जय भारत, बटन दब जाएगा फिर दोबारा। जय हिंद जय भारत। आज हम आशीष सिंघम जो पानीपत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो थोड़ा उनसे कल उनसे लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो बात थोड़ी बढ़ गई थी। तो वैसे भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, लोगों को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ईमानदार लोगों की इस दुनिया में जरूरत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये दोबारा पानीपत में जाम मुक्त, नशा मुक्ति, गोसाखोरी की जो पहले वो कर रहे थे काम, वो अच्छे तरीके से और करें। इसलिए हम अनिल विज के पास ये अपील लेके आए थे। मेरे को लगता है ये गृह मंत्री हमारी बहुत अच्छा तरीके से इस समस्या को हल करेंगे, तो इसलिए हम उनसे यही दरखास्त की है। जय भारत जय। सर जय। दोस्तों सभी शेयर कर दो, जल्द ही दोबारा ड्यूटी भी मिलेगी। वो चोर सलाखों के पीछे भी जाएगा, वो चोर सलाखों के पीछे जाएगा। एसआईटी का गठन कर दिया है, गृह मंत्री जी के नॉलेज में थी ये बातें, गृह मंत्री जी ने खुद देखी है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो इनकी काली करतूत है खुद देखी गृह मंत्री जी ने। सभी दोस्त शेयर अवश्य करें ताकि जल्दी से जल्दी एक्शन हो ऐसे भ्रष्टाचारियों पर, और इनका भ्रष्टाचार करने की हिम्मत टूट जाए ऐसे गंदे लोगों की। एक त्यागी नहीं, बहुत से त्यागी हैं हर जगह, इन पे सब पे नकेल कसू ऐसे ही। एक त्यागी नहीं, बहुत से त्यागी हैं, ऐसे ऐसे चोर बहुत बैठे हैं हर डिपार्टमेंट में। सभी वीडियो को शेयर करें। जय हिंद जय भारत। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप? भगवान की दया से आप कुशल मंगल होंगे। और जैसा कि आपने पढ़ लिया है, आज गृह मंत्री जी से मुलाकात की गई है, और भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के खिलाफ लिखित में शिकायत दी गई है। इसमें गृह मंत्री जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए एसआईटी का गठन कर दिया है, जो आईजी साहब के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है, और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और हमारे कुछ समाज सेवी संस्थाओं के, जैसे गीता का बाजी, सुनीता राजपाल जी और अपने कमल जी, इन्होंने भी रिक्वेस्ट की है, जो आप लोगों ने साइन भेजे थे, और इन्होंने लो एक बार ये बताएंगे क्या बात हुई है इनसे, जो बात हुई है। हाँ जी, और इन्होंने भी एक अपील की गई है गृह मंत्री से, जो आप लोगों ने जो साइन किए थे जो ड्यूटियों बारे, उन बारे भी इन्होंने गृह मंत्री जी से अपील की है, और गृह मंत्री जी ने पूछिए नहीं से पूछिए क्या आश्वासन दिया है। नमस्कार पानीपत वासियों, और हरियाणा वासियों, देशवासियों को हमारी और टीम की तरफ से नमस्कार। और हम आज आए थे आशीष कुमार सिंघम जी के साथ, कि हम अपनी अपील लेके आए थे, जो आप लोगों ने ही साइन करके हमें दिए हैं, कि इनकी ड्यूटी शहर में लगाई जाए। तो आज हम आए थे अनिल विज जी के पास जनता दरबार में, और ये अपील लेके आए थे कि इनकी ड्यूटी शहर में लगाई जाए। जो इनके साथ
जानते हैं कि किस तरीके से व्यवहार हो रहा है, तो उस व्यवहार को हम सही करार जाते हैं। हम चाहते हैं कि इनको और पावर देकर पानीपत में शहर में लाया जाए। वीडियो को शेयर करके और तो तक पहुंचाओ। एक बार बीच में दोस्त बीच में फोन आ रहे हैं जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ रहा हो, और सभी दोस्तों से अनुरोध है सभी इसे वीडियो को सभी शेयर करें, जो देखे वही शेयर कर दे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है सभी शेयर करते रहें। और चलो ये बात अधूरी रह गई थी, बताएंगी मैडम जी। ये बार बार जो बीच में डिस्टर्बेंस फोन की आ रही है। हेलो, तो हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये इसलिए आपके सबके माध्यम से ये सारे लोग वीडियो देखें और इनको न्याय के जो हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। आप सब जानते हैं कि इनकी वीडियो जितने भी होती हैं वायरल होती हैं, और जिस तरीके से अभी हाल ही में इनके साथ जो त्यागी जी ने करा है, जो सेक्टर 13-17 के IS हैं, उन्होंने ASI हैं, उन्होंने जो किया उसके खिलाफ भी हम चाहते हैं कि अनिल भी सर जी जो है कार्रवाई करें, कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हम अपील करके आए हैं इस चीज की। तो हमारे साथ और भी हैं जो समाजसेवी हैं, जैसे कमल गंभीर जी हैं, सुनीता राजपाल जी हैं, तो मैं आपकी उनसे बात करवाना चाहती हूँ कि करो करो ऊपर से मत दबाओ जी, नीचे से बार बार फोन आने की वजह से डिस्टरबेंस हो रही है साथियों। और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करें। और ये चलो बोलिए सर मैडम, ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे बोल दो, ऐसे फिर हो जाएगा। जय हिंद जय भारत, बटन दब जाएगा फिर दोबारा। जय हिंद जय भारत। आज हम आशीष सिंघम जो पानीपत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो थोड़ा उनसे कल उनसे लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो बात थोड़ी बढ़ गई थी। तो वैसे भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, लोगों को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ईमानदार लोगों की इस दुनिया में जरूरत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये दोबारा पानीपत में जाम मुक्त, नशा मुक्ति, गोसाखोरी की जो पहले वो कर रहे थे काम, वो अच्छे तरीके से और करें। इसलिए हम अनिल विज के पास ये अपील लेके आए थे। मेरे को लगता है ये गृह मंत्री हमारी बहुत अच्छा तरीके से इस समस्या को हल करेंगे, तो इसलिए हम उनसे यही दरखास्त की है। जय भारत जय। सर जय। दोस्तों सभी शेयर कर दो, जल्द ही दोबारा ड्यूटी भी मिलेगी। वो चोर सलाखों के पीछे भी जाएगा, वो चोर सलाखों के पीछे जाएगा। SIT का गठन कर दिया है। गृह मंत्री जी के नॉलेज में थी ये बातें, गृह मंत्री जी ने खुद देखी है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो इनकी काली करतूत है खुद देखी गृह मंत्री जी ने। सभी दोस्त शेयर अवश्य करें, ताकि जल्दी से जल्दी एक्शन हो ऐसे भ्रष्टाचारियों पर, और इनका भ्रष्टाचार करने की हिम्मत टूट जाए ऐसे गंदे लोगों की। एक त्यागी नहीं, बहुत से त्यागी हैं हर जगह, इन पे सब पे नकेल कसू ऐसे ही। एक त्यागी नहीं, बहुत से त्यागी हैं, ऐसे ऐसे चोर बहुत बैठे हैं हर डिपार्टमेंट में। सभी वीडियो को शेयर करें। जय हिंद जय भारत। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप? भगवान की दया से आप कुशल मंगल होंगे। और जैसा कि आपने पढ़ लिया है, आज गृह मंत्री जी से मुलाकात की गई है, और भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के खिलाफ लिखित में शिकायत दी गई है। इसमें गृह मंत्री जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए SIT का गठन कर दिया है, जो IG साहब के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है, और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
और हमारे कुछ समाज सेवी संस्थाओं के जैसे गीता गाबा जी, सुनीता राजपाल जी और अपने कमल जी, इन्होंने भी रिक्वेस्ट की है जो आप लोगों ने साइन भेजे थे और इन्होंने लो एक बार ये बताएंगे क्या बात हुई है इनसे जो बात हुई है। हाँ जी, और इन्होंने भी एक अपील की गई है गृह मंत्री से जो आप लोगों ने जो साइन किए थे जो ड्यूटियों बारे, उन बारे भी इन्होंने गृह मंत्री जी से अपील की है और गृह मंत्री जी ने पूछिए इन्हीं से पूछिए क्या आश्वासन दिया है। नमस्कार पानीपत वासियों और हरियाणा वासियों, देशवासियों को हमारी और टीम की तरफ से नमस्कार। और हम आज आए थे आशीष कुमार सिंघम जी के साथ कि हम अपनी अपील लेके आए थे जो आप लोगों ने ही साइन करके हमें दिए हैं कि इनकी ड्यूटी शहर में लगाई जाए। तो आज हम आए थे नीलबीज जी के पास जनता दरबार में और ये अपील लेके आए थे कि इनकी ड्यूटी शहर में लगाई जाए। जो इनके साथ आप जानते हैं कि किस तरीके से व्यवहार हो रहा है, तो उस व्यवहार को हम सही करार जाते हैं। हम चाहते हैं कि इनको और पावर देकर पानीपत में शहर में लाया जाए। वीडियो को शेयर करके और तो तक पहुंचाओ। एक बार बीच में फोन आ रहे हैं जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ रहा हो, और सभी दोस्तों से अनुरोध है सभी इस वीडियो को सभी शेयर करें, जो देखे वही शेयर कर दे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है सभी शेयर करते रहें। और चलो ये बात अधूरी रह गई थी, बताएंगी मैडम जी। ये बार बार तो बीच में डिस्टर्बेंस फोन की आ रही है। हेलो, तो हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इसलिए आपके सबके माध्यम से ये सारे लोग वीडियो देखें और इनको न्याय के जो हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। आप सब जानते हैं कि इनकी वीडियो जितने भी होती हैं वायरल होती हैं और जिस तरीके से अभी हाल ही में इनके साथ जो त्यागी जी ने करा है, जो सेक्टर 13-17 के आईएस हैं, उन्होंने एएसआई हैं, उन्होंने जो किया उसके खिलाफ भी हम चाहते हैं कि अनिल बी साहब जी जो है कार्रवाई करें, कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हम अपील करके आए हैं इस चीज की। तो हमारे साथ और भी हैं जो समाज से भी हैं, जैसे कमल गंभीर जी हैं, सुनीता राजपाल जी हैं, तो मैं आपकी उनसे बात करवाना चाहती हूँ कि करो ऊपर से मत दबाओ जी, नीचे से ही पकड़ो। बार बार फोन आने की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है साथियों, और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करें। और ये चलो बोलिए सर, मैडम ऐसे ही ऐसे बोल दो, ऐसे फिर हो जाएगा। जय हिंद जय भारत, बटन दब जाएगा फिर दोबारा। जय हिंद जय भारत। आज हम आशीष सिंघम जो पानीपत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो थोड़ा उनसे कल उनसे लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो बात थोड़ी बढ़ गई थी। तो वैसे भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, लोगों को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ईमानदार लोगों की इस दुनिया में जरूरत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये दोबारा पानीपत में जाम मुक्त, नशा मुक्ति, गोसाखोरी की जो पहले वो कर रहे थे काम, वो अच्छे तरीके से और करें। इसलिए हम अनिल विज के पास ये अपील लेके आए थे। मेरे को लगता है ये गृह मंत्री हमारी बहुत अच्छा तरीके से इस समस्या को हल करेंगे, तो इसलिए हम उनसे यही दरखास्त की है। जय भारत जय। सर जय। दोस्तों सभी शेयर कर दो, जल्द ही दोबारा ड्यूटी भी मिलेगी। वो चोर सलाखों के पीछे भी जाएगा, वो चोर सलाखों के पीछे जाएगा। एसआईटी का गठन कर दिया है, गृह मंत्री जी के नॉलेज में थी ये बातें, गृह मंत्री जी ने खुद देखी है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो इनकी काली करतूत है खुद देखी गृह मंत्री जी ने।
सभी दोस्त शेयर अवश्य करें ताकि जल्दी से जल्दी एक्शन हो ऐसे भ्रष्टाचारियों पर और इनका भ्रष्टाचार करने की हिम्मत टूट जाए ऐसे गंदे लोगों की। एक त्यागी नहीं, बहुत से त्यागी हैं हर जगह, इन पे सब पे नकेल कछु ऐसे ही। एक त्यागी नहीं, बहुत से त्यागी हैं, ऐसे ऐसे चोर बहुत बैठे हैं हर डिपार्टमेंट में। सभी वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप? भगवान की दया से आप कुशल मंगल होंगे। और जैसा कि आपने पढ़ लिया है, आज गृह मंत्री जी से मुलाकात की गई है और भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के खिलाफ लिखित में शिकायत दी गई है। इसमें गृह मंत्री जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए SIT का गठन कर दिया है, जो IG साहब के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और हमारे कुछ समाज सेवी संस्थाओं के, जैसे गीता गाबा जी, सुनीता राजपाल जी और अपने कमल जी, इन्होंने भी रिक्वेस्ट की है, जो आप लोगों ने साइन भेजे थे और इन्होंने लो एक बार ये बताएंगे क्या बात हुई है इनसे, जो बात हुई है। हाँ जी, और इन्होंने भी एक अपील की गई है गृह मंत्री से, जो आप लोगों ने जो साइन किए थे जो ड्यूटियों बारे, उन बारे भी इन्होंने गृह मंत्री जी से अपील की है। और गृह मंत्री जी ने पूछिए इन्हीं से, पूछिए क्या आश्वासन दिया है। नमस्कार पानीपत वासियों और हरियाणा देशवासियों को, हमारी और टीम की तरफ से नमस्कार। और हम आज आए थे आशीष कुमार सिंघम जी के साथ कि हम अपनी अपील लेके आए थे, जो आप लोगों ने ही साइन करके हमें दिए हैं कि इनकी ड्यूटी शहर में लगाई जाए। तो आज हम आए थे नीलबीत जी के पास जनता दरबार में और ये अपील लेके आए थे कि इनकी ड्यूटी शहर में लगाई जाए, जो इनके साथ आप जानते हैं कि किस तरीके से व्यवहार हो रहा है, तो उस व्यवहार को हम सही करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इनको और पावर देकर पानीपत में शहर में लाया जाए। वीडियो को शेयर करके